ठीक है। ओए पीछे वाला, इसे भी बच्चे देखो, ये बच्चे क्या? ये क्या हुआ पता नहीं यार, क्या हुआ, क्या हुआ अली भाई? अब देखो भाई क्या हुआ, ये भी बड़े पड़े हैं, ये दो जिंदा है बस, ये वाला अभी तो ठीक था, मैंने बंद करके गया था खाना। नीचे चला गया खाना खाने, अब पता नहीं यार कहाँ चाइना डब को देखो अभी तक वो अंडे के ऊपर बैठ गया, हमें तो पता नहीं है यार चाइना डब का अंडे में से ना दो अंडे है अब, पहले एक था अब दो है, और पिजन के भी पता नहीं अब कब बेबी क्या इनको क्या हुआ इनको, ये क्या है, ये तो ठीक है। ओए पीछे वाला, इसे भी बच्चे देखो, ये बच्चे क्या? ये क्या हुआ पता नहीं यार, क्या हुआ, क्या हुआ अली भाई? अब देखो भाई क्या हुआ, ये भी बड़े पड़े हैं, ये दो जिंदा है बस, ये वाला अभी तो ठीक था, मैंने बंद करके गया था खाना भी डाल दिया, ये देखो ये भी बड़ा पड़ा है, वो भी बच्चे देखो, कोई ना कोई तो जिंदा होगा यार, ये भी कोई नहीं है जिंदा, बस दो ही जिंदा है। ये कैसे हुआ, इनको पकड़ो, ये देखो इनके पेट, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनके पेट खुले हुए सारों के, ये देखो इसके भी, उसके भी, ये तो पतले पतले थे इनके, देखो अली भाई इनके भी पेट फूले फूले हैं, ये ठीक है उसके भी। हाँ यार अब देखो भाई जो दो पकड़े है ना उनको निकालो यार जल्दी, पता नहीं क्या हुआ जल्दी से यार भाई, फिर दूसरा भी निकालो जल्दी से, पता नहीं यार क्या हुआ इन सबको, अभी तो अब जो भाई और हम लोग छोड़ के गए इनको अंदर, बाहर निकले भी थे, दो ठीक हैं सिर्फ, बाकी ये देखो बच्चे भी मरे पड़े हैं, दो खरगोश भी मरे पड़े हैं। अच्छा भाई वो जो अली भाई ये मोको है ना, और वो जो दूसरे भाई फीमेल है, पता नहीं यार इनको क्या हुआ, और सबके पेट भी फूले हुए सारों के, एक साथ ही मरे हैं बेचारे, पता नहीं यार क्या हुआ इनको, अब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा इनको हुआ क्या है, सारे के सारे ही देखो मरे पड़े हैं। ये अली भाई इनको साइड के ऊपर करते हैं, इनका क्या करें, नीचे नीचे छोड़ते हैं यार। हाँ अली भाई इनको क्या करें, इनको दफरा दे, चलो यार इनको बाहर छोड़ते हैं, इनको हम दफराते हैं यार, पता नहीं हमें तो पता नहीं, अभी तो हम 5-6 मिनट पहले इनको बंद करके गए हैं, भाग रहे थे दौड़ रहे थे, हाथ में भी नहीं आ रहे थे माशाल्लाह, अब देखो पता नहीं क्या हुआ इनको, सिर्फ दो जिंदा है वो पीछे चले गए, बाकी ये 5 तो मरे पड़े हैं बेचारे, और पेट भी इनके फूले हुए हैं, पता नहीं क्या हुआ। अली भैया देखो आज हमने इतनी मेहनत से इनका घर भी बनाया था। हाँ यार ये देखो इतनी मेहनत से हमने इनका घर बनाया था, मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ, ये देखो यार कितनी मेहनत से आज 3-4 घंटे हम इसी घर के ऊपर लगे रहे हैं, देखो यार कितना सुबह से लगे हुए थे, दोपहर, हाँ यार दोपहर होगी, सुबह 9-10 बजे से लगे हुए थे, अब दोपहर होगी आपके सामने सूरज भी ढलने लग गया है, ये देखो यार अभी हमने खत्म किया था, और 2 मिनट पहले तो हम नीचे गए थे इनको बंद करके, अब पता नहीं यार इनको क्या हुआ, अब भाई कुछ समझ आई आपको हुआ क्या है, पता नहीं क्या हुआ है यार। हाँ यार मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही कि इनको हुआ क्या है, और इतनी मेहनत से हमने इनका घर बनाया था, बेचारे सिर्फ दो ही बचे हैं, पहले तो माशाल्लाह हम ठीक छोड़ के गए थे इनको, भाग रहे थे दौड़ रहे थे, पानी दाई तुआई की सब परिंदों को दे के गए थे, ये देखो यार पता नहीं क्या हुआ, अब जब भाई गर्मी की वजह से तो नहीं हुए यार, गर्मी की वजह से, हाँ पानी तो ठंडा था, खाना भी इनको देते रहे हम टाइम के ऊपर, पर यार इनको पता नहीं हुआ क्या यार, इनको दफराते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, हमने इतनी मेहनत से इनके लिए घर भी बनाया था, आपने देखा आप सुबह सोलह घर रहे सुबह सुबह के लगे हुए हैं, पर यार अब इनको हुआ क्या है मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा, ये देखो बेचारे यहीं मरे पड़े हैं, अगर आपको पता है ये सारे के सारे मर चुके हैं, और फिर इनके पेट भी फूले हुए हैं, अगर आपको पता है तो फिर आपने कमेंट जरूर बताने यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, ना अली भाई को समझ आ रही है कैसे मरे, ना अब्दुल भाई को समझ आ रही है, देखो यार सारों के पेट भी फूले हुए, बच्चों को भी इतने मोटे मोटे पेट हो गए, और पता नहीं इनको हुआ क्या है, सारे के सारे मर गए, और माशाल्लाह वो तो ठीक है, और पहले इनको हम 6-7 महीने पहले इनको हम बंद करके गए थे, पता नहीं यार गर्मी की वजह से मरे हैं, क्या हुआ है अब हमें कुछ समझ नहीं आ रही, अली भाई इन दोनों के लिए तो दाई जाओ ना, कहाँ गए
अभी आके खाएंगे। और इतनी मेहनत से इनको हमने घर भी बना के दिए थे, टाइट वाइट भी इनको हम टाइम के ऊपर देते हैं। अली भाई अब इनकी भी डाइट ले आओ, इनको भी देते हैं। दोपहर को तो दे दी थी, अब शाम को इनकी डाइट होगी। और फिर मास्टर गेट के पिंगा को भी हमने डाइट वाइट दे दी थी। कूलर सूलर भी इनके लिए चल रहा है, तो अभी अब कूलर थोड़ा सा बंद हुआ है, हल्का चल रहा है। देखो यहाँ आके ये भी हवा ले रहे, सारे के सारे मास्टर गेट के पिंगे ठीक है, बाहर के ठीक है। पर गर्मी लगती तो इनको कहाँ से, अकेले को लगती। और मरते तो ये सारे ही मरते ना, तो फिर ये कहाँ से, वो कहाँ से बच जाते, ये तो सारे ही मरते फिर अगर गर्मी की वजह से होते। अली भाई मुझे तो लग रहा है कोई और मसला हुआ है इनके साथ, गर्मी की वजह से बिल्कुल नहीं मरे। अगर आपको पता है आपने कमेंट में ज़रूर बता रहे इनको यार हुआ क्या। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मरे कैसे भाई, कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ अब इनको जा रहे दफनाने। और यार आपको मैं सबसे ज़रूर दुआ करना कि हमारे और कोई परिंदा ना मरे यार। हम इतनी मेहनत से आपके सामने पालते हैं, गर्मी के अंदर भी इनका ख्याल रखते हैं, ठहराते बहराते हैं, स्विमिंग पूल के अंदर पानी भरते हैं, धोते हैं। और फिर यार पता नहीं इनको हुआ क्या यार, मैं बहुत ज़्यादा शायद हूँ। अगर वीडियो आपको इसको लाइक भी करें, हमारे चैनल हादी हम पैथा उसको सब्सक्राइब करें। मेरे की करें चला हाफिज़।